नमस्कार, सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं आपके समक्ष शाहबाज खान। हरियाणा के नू में 31 जुलाई को हिंदू संगठन की शोभा यात्रा पर पथराव से शुरू हुई हिंसा की आग अभी तक शांत नहीं हुई है। ये सब जानते हैं कि हिंसा ने सांप्रदायिक रंग लिया और प्रदेश के कई जिलों में आग की तरह फैल गई। हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 7 लोगों की जान गई, कई जगह आगजनी और तोड़फोड़ जमकर हुई। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मामले में सभी दलों ने अपनी अपनी राजनीति भी तनकर की। आज हिंसा से जुड़े मुद्दे पर करेंगे कई गंभीर सवाल, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट, आखिर क्यों मचा था हरियाणा में बवाल। हरियाणा के नू में 31 जुलाई को हिंदू संगठन की शोभा यात्रा पर पथराव से शुरू हुई हिंसा की आग अभी तक शांत नहीं हुई है। नूह से शुरू हुई हिंसा ने सांप्रदायिक रंग लिया और प्रदेश के कई जिलों में फैल गई। हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 6 लोगों की जान चली गई। कई जगह आगजनी और तोड़फोड़ जमकर हुई। पुलिस और सुरक्षा बलों ने जब मोर्चा संभाला तो हालात थोड़े सामान्य हुए। टीवी चैनल्स पर नो हिंसा से जुड़ी बर्बादी की तस्वीरें देखने को मिली। उपद्रवियों ने कितनी बर्बरता की और कितना आतंक मचाया, इसकी कई तस्वीरें सामने आई। मणिपुर हिंसा का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि मेवात के नू में हुई सांप्रदायिक हिंसा ने चिंता की एक नई लकीर खींच दी। नूह में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद मेवात, गुरुग्राम समेत कई इलाकों में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य पुलिस बल के अलावा केंद्रीय बलों ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। हरियाणा में केंद्रीय बलों की 20 कंपनियां मौजूद हैं, जिनमें से नूह में 14, पलवल में 3, गुरुग्राम में 2 और फरीदाबाद में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की एक कंपनी तैनात है। लेकिन इतने कड़े सुरक्षा पहरे के बीच भी पलवल में उपद्रवियों ने एक बार फिर माहौल खराब करने की कोशिश की। मीनार गेट चौक पर एक दुकान को उपद्रवियों ने निशाना बनाया और करीब 50 साल पुरानी दुकान को फूंक डाला। हरियाणा सरकार ने केंद्र से 4 और एडिशनल कंपनियों की मांग की है। हरियाणा के 9 जिलों में धारा 144 लागू है। हिंसा प्रभावित इलाकों में लगे CCTV से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। नू हिंसा में अब तक 83 FIR दर्ज की गई है और 165 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत 78 लोगों को हिरासत में लिया गया। हिंसा की जांच के लिए SIT का गठन किया गया, जो कि पता लगाएगी कि हिंसा के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, कसूरवार कौन है और हिंसा की शुरुआत कहां से हुई। यूपी राजस्थान बॉर्डर से सटे सभी जिलों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले मोनू मानेसर के भड़काओ वीडियो की भी जांच की जाएगी। पुलिस की कार्रवाई तो आगे बढ़ रही है, लेकिन हिंसा पर सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही। विपक्षी पार्टियां हिंसा को लेकर राज्य सरकार को घेर रही हैं। वहीं अब कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने CM मनोहर लाल के इस्तीफे की मांग की है। दीपेंद्र ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, हरियाणा में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कांग्रेस के शासन में ऐसी कोई भी सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई। वहीं BJP विधायक चिरावता ने भी तमाम सवाल कांग्रेस पर उठाए। मामन खा को ये शब्द नहीं बोलने चाहिए कि प्याज के छिलके की तरह फोड़ देंगे, जिससे इस शब्द के कारण ही सोशल मीडिया पर यह प्रचारित हुआ और मुसलमान युवक भटके, कसूरवार चाहे मोनू मानेसर हो, चाहे कोई बजरंगी हो और चाहे कोई जो वहाँ पाकिस्तानी करके वो चला रहे हैं, उसमें आएगा वो सब दंडित होने चाहिए। लेकिन मैं बार बार एक बात दोहरा रहा हूँ कि विधायक जैसे जिम्मेवार पद पर रहते हुए मामन खा को ये बात विधानसभा में नहीं बोलनी चाहिए थी। यदि कांग्रेस पार्टी उसी समय मामन खा की बात को कंडम करती, उसी समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाउस में मामन खा को रोकते और उसकी बात को कहते कि अपने शब्द वापिस लो, इस तरह की भाषा हाउस में प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये जो मेवात के अंदर जो हुआ, जो भटके हुए मुस्लिम युवक है उनको सह नहीं मिलती। मुख्यमंत्री जी का जो बयान है कि सरकार हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकती, ये बयान बहुत दुखद और बहुत गैर जिम्मेदाराना है। ये बयान आम आदमी को, हरियाणा के हर हरियाणा वासी को निराश करने वाला है और ये बयान अपराधियों के हौसले बढ़ाने वाला है। किसी भी सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी ये रहती है कि उस सरकार के तहत उस प्रदेश में आने वाला हर नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस करे, अपना जीवन यापन करते हुए एक सुरक्षा का एहसास हो हर नागरिक को। अगर वो सुरक्षित महसूस नहीं करवा पाई सरकार, सुरक्षा नहीं दे पाई सरकार, तो अपनी जिम्मेदारी में वो फेल है सरकार। ये जो आज कहा है बहुत दुखद है, और यदि ये सरकार खट्टर साहब इस जिम्मेदारी को निभाने में असक्षम है और कह रहे हैं कि सबको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं,
तो ये नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ये हटे, हमें कमान दे। हम दिखाएंगे हरियाणा में 10 साल जो कांग्रेस की सरकार रही, कोई एक दंगा नहीं हुआ हरियाणा में। सवाल है जो बरकरार है कि आखिर आपसी भाईचारे की मिसाल पेश करने वाले नूह में हिंसा की चिंगारी किसने भड़काई? शांति और अहिंसा का संदेश देने वाले भारत के दो राज्य हिंसा की आग में क्यों झुलस रहे हैं और कौन है जो इस आग को हवा दे रहा है? हिंसा के पीछे थी किसकी साजिश? भड़काऊ वायरल वीडियो का हिंसा में कितना रहा रोल? क्या है इसमें सियासी झोल? खबर फास्ट के लिए शाहबाज खान की रिपोर्ट। तो आज इस कार्यक्रम में पूछेंगे कई यक्ष सवाल, लेकिन सवालों पर नजर डालते हैं जिनके इर्द गिर्द आज चर्चा ये रहने वाली है। पहला सवाल, नूह में सांप्रदायिक साजिश के तार, हिंसा के कितने किरदार? पहले से थैती हरियाणा हिंसा की साजिश, हरियाणा में टेंशन, कहां तक हुई इन्वेस्टिगेशन? 6 की मौत, 139 गिरफ्तार, कौन है असल गुनहगार? दंगा बीत गया, दर्द छोड़ गया, उपद्रवियों को आखिर क्या मिला? और वहीं दीपेंद्र हुडा का बयान, सरकार हुई फेल, हाथ को सौंपे कमान। हरियाणा को किसने दी टेंशन? मोनू मानेसर का क्या है इसमें कनेक्शन? नूह की हिंसा प्रदेश के दूसरे जिलों में कैसे भड़की, एक सबसे अहम सवाल है। तो वो सवाल है जिनके इर्द गिर्द आज हम इस चर्चा को रखने वाले हैं। लेकिन आपका क्या सवाल है, आपकी क्या नाराजगी है, सीधे तौर पर आज पूछ सकते हैं आप इन नंबर के माध्यम से जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन नंबर पर आप कॉल कीजिए और सत्ता में बैठे नुमाइंदों से पूछे कि आज जिस तरीके से हरियाणा में पूरा माहौल देखने को मिला, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते, तो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे कराता हूं। सुदेश कटारिया है बीजेपी प्रवक्ता, डॉक्टर जोगिंदर मोर है कांग्रेस प्रवक्ता, आप दोनों का बहुत स्वागत है खबर फास्ट पे। सवाल सुदेश जी, पहला मेरा आपसे ही है कि नूह में आग लगी तो सवाल बहुत सारे खड़े हुए। कई बार सवालों को लेकर यह कह दिया जाता है कि हम अपने अमल का क्या हिसाब देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। लेकिन एक यक्ष सवाल है, हरियाणा की शांत फिजा में आखिर किसने जहर घोला? देखिए साहबा जी, सबसे पहले तो आप अतीत में जाने की प्रयास करें। जब मार्च 2023 का विधानसभा सत्र चल रहा था जी, तो जो इनका मौजूदा विधायक है मामन खान जी, किस प्रकार से सदन में किस प्रकार से पटल पर किस प्रकार से बहुधा बयान उन्होंने दिया, किस प्रकार की सोचे समझे साजिश के तहत उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो लोग आए तो उसकी प्याज फोड़ देंगे, उसको तहस नहस कर देंगे। इस प्रकार की बयानबाजी क्या दर्शाती है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जिम्मेदार है या नहीं है, ये सब बयानबाजी है। इन बयानबाजियों को मद्देनजर रखते हुए आप शाहबाजी आप ही बताइए इसके पीछे साजिश किसकी है, किसने दंगा भड़काया? और उन्होंने आज एक आज ताजा बयान में ये भी कहा कि ये मैंने नहीं कहा, ये मेरे से पहले 4 बार विधायक रहे मोहम्मद इलियास ने भी कहा है, बार बार कहा है कि अगर इस प्रकार के लोग मेवात में आए तो उसकी प्याज भी फोड़ देंगे। इस प्रकार का बहुधा बयान सरकार जनता के विधायक जनता की बात कर रहे हैं, तो इसमें साजिश किसकी आप तय करें। FIR दर्ज हो सकती थी, उन पर केस हो सकता था, और अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है और अगर मोनू मानेसर की वीडियो एक दिन पहले वायरल हुई है तो सरकार जो है कड़े कदम तो उठा सकती थी। जी मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, मोनू मानेसर के खिलाफ राजस्थान में FIR रजिस्टर्ड है और उसको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ रही है, नंबर एक बात। दूसरी बात, आप जानकारी दुरुस्त कर दूं, उन्होंने विधानसभा के पटल पर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, हम विधानसभा के पटल पर कार्यवाही नहीं कर सकते। लेकिन अभी जांच चल रही है साहबाजी, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को, अभी जांच होने दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिस प्रकार से सरकार ने जांच एजेंसियों के हाथ में कमान सौंपी है, जिस प्रकार से तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं, मैं आपको टीवी चैनल पर अभी बताना जल्दबाजी होगी, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं एक इस प्रकार की कार्यवाही, इस प्रकार के दंगों के पीछे जिस प्रकार के लोगों का हाथ है, उसके पीछे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। मैं आपसे सवाल क्या करूं, आप जवाब क्या दे रहे हैं? मैं आपसे सवाल क्या करूं, आप जवाब क्या दे रहे हैं? आप राजस्थान की बात कर रहे हैं सर, मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि सरकार ने कड़े कदम क्यों नहीं उठाए गए थे? आज जो है भूपेंद्र हुडा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पुलिस की तरफ से पहले इत्तला कर दिया गया था कि ऐसी घटना हो सकती है, तो झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है? साहबाजी आपकी जानकारी के लिए मैं दुरुस्त कर दूं, 1000 लोग जो पुलिस ने बचाए हैं, जिन्होंने टीवी चैनल के माध्यम से ऑन एयर आके कहा है कि हम पुलिस ने बचाए हैं। अगर वो पुलिस की व्यवस्था नहीं होती, अगर पुलिस सतर्क नहीं होती, अगर सरकार सतर्क नहीं होती, तो 1000 लोग कैसे बचते?
उनके वीडियो और छह लोगों की जो मौत हुई है वो, और जो छह लोगों की मौत हुई है वो, और जो छह लोगों की मौत हुई है वो, उनका बयान बता रहा हूँ मैं, नहीं कह रहा हूँ, मैं स्पष्ट नहीं कर रहा हूँ ये बात, लेकिन उनका बयान ये बताता है कि 1000 से ज्यादा लोग पुलिस ने बचाए, प्रशासन ने बचाए। उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस सतर्क नहीं होती तो हमें जिंदा जिंदा नहीं छोड़ा जाता, इस प्रकार की हिंसा वहां हो जाती, छोटे छोटे बच्चे। नूह के बाद, नूह के बाद गुरुग्राम में, नूह के बाद गुरुग्राम में, पलवल में कैसे हादसे हो रहे थे सर? देखो, इस प्रकार की जब हिंसा होती है तो स्वाभाविक सी बात है लोगों का उग्र होना, और जहां जहां उग्र हुआ है मैं बता रहा हूँ, प्रशासन जांच कर रहा है, हमारी SIT गठित है, और SIT के बाद में आप जांच तक एक बार इंतजार करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी एक नजीर पेश करेंगे आने वाले समय में, कोई दंगाई प्रयास नहीं करेगा हरियाणा में इस प्रकार की हिम्मत करने की, एक नजीर इस प्रकार की पेश होगी। वो तो कह रहे हैं अगली बार आपकी सरकार नहीं आएगी। खैर, दो दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, मैं उनका रुख कर लेता हूं। नीरज जुड़ गए, नीरज बहुत स्वागत है, जल्दी से सवाल रखिए सर अपना। नीरज सुन पा रहे आप मुझे? नमस्कार सर। नमस्कार सर, जल्दी से अपना सवाल रखिए। मेरा सवाल यह है सर, जब नू में ये हिंसा हुई, इसके जिम्मेवार कौन है? पहली बात तो ये, दूसरी बात, जब नू में ये इतनी बड़ी साजिश रची गई और हिंदू ने बोल दिया कि हम आने लग रहे, आने का क्या मतलब था? क्यों उत्साह रहे थे वहाँ जब पता भी मुसलमान एरिया है सारा, क्यों उत्साह रहे? एक तो ये बात, दूसरी बात, SP वहाँ गए एक दिन पहले छुट्टी पे चला गया, SP क्यों गया छुट्टी पे? चलिए ठीक, नीरज का सवाल यह है कि किसने उकसाया, कैसे उकसाया, सुदेश जी इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन एक और दर्शक जुड़ गया मेरे साथ, राज। राज जल्दी से अपना सवाल रखिए सर। हाँ जी जी, राज सिंह जी बहुत स्वागत है, जल्दी से सवाल रखिए सर। मैं अपना ये बोल रहा हूँ, सरकार क्या कर रही है, इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रही? इससे अच्छा तो सूट ऑफ आउटर का ऑर्डर दे दे, जो दंगा कर रहे हैं उनको शूट करो। ठीक है, राज सिंह जी ने भी सवाल रखा है, सुदेश जी उम्मीद करता हूं कि आप इसका जवाब देंगे। सबसे पहले नीरज जी ने बड़ा अच्छा सवाल किया है, मैं बता दूं नीरज जी को, मार्च 2023 में जब विधानसभा के पटल पर कार्यवाही हुई और उनके जिम्मेदार विधायक मामन खान ने जिस प्रकार से कहा कि अगर इस प्रकार के लोग वहां घुसे तो उसकी प्याज सी फोड़ देंगे, ये दंगे की शुरुआत वहां से थी, ये साजिश की शुरुआत वहां से थी। मार्च 2023 से इस प्रकार के लोग ये तैयारी में थे, तो बीजेपी मामन को जिम्मेदार मानती है, तो बीजेपी मामन को जिम्मेदार मानती है 100%। आप क्या मानते हैं? आप क्या, वो तो जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन इस प्रकार का जिम्मेदार व्यक्ति, एक विधायक जनता द्वारा चुना हुआ नुमाइंदा विधानसभा के पटल पर कह रहा है कि हम प्याज फोड़ देंगे, हम उसको मार देंगे, हम तबाही ला देंगे, उसके बाद आज के ताजा इंटरव्यू में कहा है कि मैंने नहीं, ये चार बार के विधायक इलियास ने भी कहा है कि मैंने नहीं कहा, और वो सारे लोगों ने कहा है, तो इस बात से आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका जिम्मेदार कौन। ठीक है जोगिंदर जी, सीधे तौर पर क्या राजनीति के चश्मे से कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम को, पूरे हिंसा को देख रहे हैं? भाई आपके विधायक साहब को जिम्मेदार मानने सब, मतलब इतनी बेहूदगी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शर्म आनी चाहिए अपने प्रशासनिक करियर की जिम्मेदारी लेने की बताए। विधानसभा में मामन खान का एक बार पूरा बयान सुन लीजिए, पूरी कार्रवाई देख लीजिए विधानसभा। सुदेश जी आपकी बारी में नहीं बोल रहे थे, वो आपकी बारी में नहीं बोल रहे थे वो, ठीक है एक बार सुन लेते ना उनका सर। प्रदेश की जनता सुन रही है, सब सुन चुके हैं मामन का बयान, सब सुन चुके हैं, सबको सुन रही है, सबको देख रही है, प्रदेश की जनता आपको भी देख रही है, मेरे को भी देख रही है। एक डिबेट की तहजीब होती है, मैंने आपने जो भी आरोप लगाए मेरे उन बातों को सुना और मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। झूठ क्या किस चीज का बोला उसका पूरा आपको जब आपकी बारी थी वो नहीं बोल रहे थे, उनको सुन लेते हैं फिर मैं आपके पास आऊंगा सर। दो ही गेस्ट हैं और कोई नहीं है। विधानसभा की कार्रवाई को देख लीजिए, विधानसभा की कार्रवाई में मामन खान ने जब जो बयान दिया, किस बात पे दिया, किस प्रकार से हुआ, उन्होंने क्या कहा, उस संदर्भ के पूरे को संदर्भ को देख लीजिए, और इस यात्रा पे जो फेलियर हुआ प्रशासनिक तौर पे उसको देख लीजिए। अब इनके मुख्यमंत्री जी का बयान देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं ये गहरा षड्यंत्र था, पहले से तैयारी थी, गृह मंत्री जी ये कहते हैं पहले से षड्यंत्र था, इनपुट थे, गहरी तैयारी थी, इस प्रकार से इनके जो डिप्टी CM है वो ये कहते हैं कि हमें सूचना ही नहीं थी यात्रा के बारे में, इनके जो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत वो हरियाणा सरकार पर सवाल उठाते हैं, इनको अपने प्रशासनिक फेलियर पे जाना चाहिए।
घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं कर रही है। अगर मामन खान की, मैं बड़े और नेर कह रहा हूं, मामन खान की किसी भी बात पे, विधानसभा का सत्र कब हुआ था, कितना समय है, प्रजामंडल की जो प्रजामंडल की यात्रा है ये कितने महीने बाद निकली है, क्या मतलब क्या रूट बदला जा सकता था, क्या तैयारियां हो सकती थी, क्या इनपुट होना चाहिए था, जो प्रशासनिक फेलियर है उस फेलियर पे काम करने की बजाय आप दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं। एक व्यक्ति वायरल होके जिस व्यक्ति के ऊपर वहां के दो हत्याओं का आरोप है, मैं आरोप कह रहा हूं, मैं फिर शब्दों का मर्यादा में बात कर रहा हूं, आरोप कह रहा हूं, ये जांच तय करती है बाद की बात है, लेकिन जिस व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार का माहौल टेंस है, मेवात का माहौल टेंस है, वो कहता है यात्रा में ज्यादा से ज्यादा चढ़ेंगे, मैं आऊंगा, और आपके पास इनपुट है, आपके पास वायरल वीडियो है, आप ना तो उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं, ना कोई प्रशासन की तरफ से कोई ड्रिल करते हैं, ना कोई संदेश देते हैं प्रदेश के नाम पर कि इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है, ना संदेश के लिए कोई शांति समितियों का काम करते हैं, ना जनता और प्रशासन के बीच की कोई मीटिंग करते हैं, ना रूट डाइवर्ट करते हैं, किसी प्रकार का कोई आप प्रशासनिक देखिए इन्वेस्टिगेशन की किसी भी फोर्स की तीन 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 दो फंक्शन होते हैं। पहला होता है प्रिवेंटिव मेजर जिसको हम बचाव कहते हैं, पहले पहले की जो सुरक्षा में ही बचाव जिसकी बात कहते हैं, जिसको सुरक्षा के कहते हैं, प्रिवेंटिव मेजर होते हैं, फिर कंट्रोल होता है, फिर तीसरी चीज इन्वेस्टिगेशन की आती है। आपने अब तक तो प्रिवेंटिव मेजर पे क्या काम किया है इस बात का आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप टोटल फेलियर है। आपके मुख्यमंत्री ये बयान देते हैं कि इस प्रदेश की जनता 2.5 करोड़ है और मेरे पास 60,000 पुलिस बल है, मैं सबको सुरक्षा। लेकिन 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 जोगिंदर जी जो खुली धमकी एक मिनट, जो खुली धमकी विधानसभा में दी गई, अगर उस चिंगारी को मिटा दिया जाता तो ऐसा शोले में तब्दील नहीं होता हरियाणा, मानते आप इस बात को? देखिए विधानसभा का इस प्रजामंडल की यात्रा से विधानसभा की उस बात से कतई कोई लेना देना नहीं है। तब तक कोई एक मामन खान जी का जो बयान है वो विधानसभा मगर ऐसा बयान देना, एक जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसा बयान देना क्या शोभा देता है? आप इस बात का जवाब आप एक बात देखिए, पूरे बयान को सुन तो लीजिए एक बार, वो पूरे बयान, पूरी बहस हुई उस बयान के ऊपर, जो बयान विधानसभा में हुआ है जिसकी अपॉर्चुनिटी पूरे उसको सरकार को मिली है। मैंने सुना बाकायदा उन्होंने बोला कि इस शख्स के साथ फोटो खिंचवाई गई है, क्या समझ रहा है मोनू मानेसर खुद को? मैंने पूरा बयान सुना है, अमित शाह जी के पास फोटो दिखाया गया है, ठीक है, बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो दिया गया है कि इसलिए कार्रवाई नहीं कर पा रही है हरियाणा सरकार उसके खिलाफ, दो हत्याएं की है, अब सरकार बेबस है, इस प्रकार से मेवात के लोगों के साथ ऐसा होगा और इस प्रकार का व्यक्ति मेवात में जाएगा तो उसके साथ ऐसे संभावनाएं हो सकती है। इस बात में उस बात में दोनों में अंतर है। अगर साहब जी मैं ये कहूं कि खबर फास्ट में आकर मैं ये तोड़फोड़ मचाऊंगा और प्रशासनिक रूप से कुछ नहीं कर पाएंगे तो क्या आप ये नहीं कहेंगे इस प्रकार होंगे तो संभावना ये हो सकती है भाई कोई किसी के घर पे लठ मारने आएगा, कोई किसी उन्होंने को इस बात का तो जिक्र किया है ना, प्याज की तरह फोड़ देंगे, उन्होंने इस बात का तो जिक्र किया है ना कि प्याज की तरह फोड़ देंगे अगर वहां पर आए तो। इस बात का जिक्र किया है कि मेवात ऐसा नहीं है, मेवात को आप ललकारो मत, मेवात के साथ छेड़खानी मत करो आप, ये इस बयान में और प्रजामंडल जी प्याज की तरह फोड़ देंगे, इस बयान को गलत नहीं मानती कांग्रेस का और बीजेपी? देखिए साहब जी कितनी शर्मनाक बात है कि उस बयान को ही नकार रहे हैं, उन्होंने क्लियर कहा, बार बार दिखा रहे हैं, हर चैनल दिखा रहा है, हर बात एक्सेप्ट कर रहा है, हर आदमी को मेरे बयान कब निकाले, पूरी कार्रवाई दे दिया, पूरी कार्रवाई में आपको मौका मिला है। सबसे पहले बात ये समझने की बात है, इस प्रकार की जिम्मेदार व्यक्ति को इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उसी दिन से जिस दिन मार्च 2023 में जब सदन चला उस दिन से आज तक की इनकी तैयारी थी और उस बयान का ही नतीजा है ये, इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना, तभी से लोग जिस प्रकार का षड्यंत्र रचा गया, जिस प्रकार की साजिश रची गई, ये तो जांच में आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी, चाहे कितना ही बड़ा कोई जनप्रतिनिधि हो, चाहे किसी पार्टी से संबंध रखता हो, चाहे किसी जाति से संबंध रखता हो, चाहे किसी धर्म से संबंध रखता हो। लेकिन सर आप जांच की बात कर रहे हैं, आप जांच की लकीर पीट रहे, आप जांच की लकीर पीट रहे, लेकिन सरकार की तरफ से भी तो पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे ना सर, एक जगह हुआ उसके बाद गुरुग्राम हुआ फिर परवल हुआ। देखिए सर कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि हमारे शासनकाल में, हमारे 10 साल के कार्यकाल में कोई भी ऐसा दंगा नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री को जो है इस्तीफा देना दे देना चाहिए और हमें कमान सौंप देनी चाहिए। अनुराग डांडा भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं और दीपेंद्र हुड्डा भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। मिर्चपुर कांड कब हुआ था, गोहाना कांड कब हुआ था, मिर्चपुर कांड के जो दलित पलायन करके गए थे गांव का गांव, उसको बसाने का काम किसने किया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उस समय पलायन किया था, चुन चुन के लोग मारे गए थे, दलित लोग, गरीब लोग, पीड़ित लोग, प्रताड़ित लोग,
ये लोग बोलते हैं, सामाजिक कमाल करते हैं, लेकिन आदमी राजनीति नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की हिंसा के बाद किसी दल को राजनीति नहीं करनी चाहिए। जात धर्म और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर इस हिंसा को संभालना चाहिए, इस प्रदेश को संभालना चाहिए। और जिस प्रकार की घिनौनी हरकत कांग्रेस कर रही है, जिस प्रकार से एक विधायक को बचाने का काम कर रही है, इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। लेकिन आप जांच का इंतजार करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन जनता क्या सोचती है जानने की कोशिश करते हैं। दर्शक जनता जानती है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, प्रेम। प्रेम बहुत स्वागत है, जल्दी से अपना सवाल रखिए। नमस्कार सर। सर, दूध का दूध और पानी का पानी तो पूरे भारतवर्ष में ही हो रहा है। यूपी में देखिए, बोलते हैं 6 साल में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, कोई अत्याचार नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है। हरियाणा गवर्नमेंट भी यही बात बोल रही है। जब वो बोलते हैं मेरे पास पुलिस सबको देने के लिए नहीं है, संरक्षण देने के लिए, तो ये सर हमारे माननीय लोग क्यों पुलिस को साथ लेके चलते हैं? ये क्यों नहीं अकेले चलते हैं? वो 50-60 हजार जो पुलिस है वो समाज के लिए रखते, कम से कम अपने अकेले घूमे ये जहां इनको जाना है। कम से कम पीएम के साथ में 500 आदमी 2000 आदमी भेजते हैं सर, क्या बात है, भेजते हैं सर, वो जनता के लिए नियुक्त कर दीजिए। कम से कम दंगे फसाद तो नहीं होंगे यार, दंगे फसाद नहीं होंगे, 10 साल से भी होते हैं, 5 साल से भी होते हैं, 2009 साल से हर चीज में दिखा रहे हैं। आपका सवाल का जवाब लूंगा सुदेश जी से, लेकिन एक और दर्शक जुड़ गए, पप्पू नंबरदार। पप्पू बहुत स्वागत है, जल्दी से अपना सवाल रखिए। हाँ जी नमस्कार, मैं पप्पू नंबरदार तो शाम से बोल रहा हूँ जी। मैं ये अपने बीजेपी का प्रवक्ता साहब बैठे हैं, बेटा बैठा है, ये अपने मतलब मुख्यमंत्री से या एमएलए से एमपी से, जो मुख्यमंत्री ऐसी बात करेगा कि भाई हमें जनता की सेवा, वो आदमी नहीं पहुंचा सकते, पुलिस प्रशासन नहीं आ सकता, क्यों बैठा है ये मुख्यमंत्री? सुदेश जी, ठीक है, सवाल हो गया। सुदेश जी, सवाल यह है, जिस तरीके से सीएम की तरफ से कहा जाता है कि हर व्यक्ति को हम सुरक्षित नहीं रख सकते, तो क्या जो हरियाणा की जनता है वो खुद को सुरक्षित अब महसूस करे या नहीं? सबसे पहले तो बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, उनका पूरा बयान सुनिए, 4 मिनट की वीडियो में आपके सामने कहो तो पेश कर देता हूँ अभी मोबाइल खोल के। नंबर एक बात। दूसरा, इन्होंने कहा कि पुलिस ने सुरक्षा नहीं की। अगर पुलिस की सुरक्षा नहीं होती और पुलिस का वहां जिस प्रकार से कोऑपरेशन नहीं होता, तो 1000 लोग बच के ना आ पाते वहां से। 1000 की लाशें आती है यहाँ पर। उन 1000 लोगों ने वहां से बाहर निकल के कहा है, एक मंदिर में 700 आदमी घुसे हुए थे, मंदिर से निकाल के पुलिस लाई है, और उन्हें ऑन एयर आके कहा है कि अगर पुलिस ना होती तो हमारी जाने चली जाती। इनकी जान से मुख्यमंत्री जी के बयान की चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सौहार्दपूर्ण तरीके से इस प्रकार की हिंसा को रोका जा सकता है, सबके सहयोग की आवश्यकता है। हमारे पास पुलिस बल बेशक कम है, लेकिन फिर भी हम सुरक्षा का जिम्मा लेते हैं। उनका पूरा बयान सुनिए। ठीक है, अशोक गहलोत का भी आज ट्वीट आया था। डॉक्टर जोगिंदर, आपसे सवाल ये है भाई, कॉर्पोरेट करने को तैयार है हरियाणा सरकार? जी सहबाज जी, कॉर्पोरेट करने को तैयार है? मोनू मानेसर को जिस तरीके से जिम्मेदार माना जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि तैयारियां सरकार की तरफ से नहीं की गई थी और पूरा सहयोग कर रही है मोनू मानेसर के लिए, हरियाणा सरकार सीधे तौर पर कल सीएम मनोहर लाल की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया था, तो आखिर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? देखिए, मैं यूं कह रहा हूं, इन्वेस्टिगेशन और एक प्रोसेस अलग चीज है, वो पूरा का पूरा है। आप देखिए, मोनू जो मानेसर है, उसकी वजह से, मोनू मानेसर की वजह से जो माहौल फौरन खराब हुआ है, उसके पीछे उसके खिलाफ कार्रवाई अलग होती रहेगी, वो कार्रवाई एक अलग विषय है। आप उसके जो पहले के घटनाक्रम है, पहले के अपराध है, आगे कोई अपराध भी करेगा इस प्रकार का। लेकिन आज सवाल ये होता है कि जो सोशल मीडिया पर जिस आदमी की एक हेट है, जिस आदमी से घृणा है, जिस आदमी से जिस प्रकार की है, जो घृणा के बयानबाजी करता है, जिस प्रकार की बयानबाजी की गई है, मैं किसी व्यक्ति विशेष को यहाँ पे छोटा और बड़ा नहीं करना चाहता, हम डिबेट को भटकाना भी नहीं चाहते। विषय सहबाजी जितना है कि सरकार के पास इनपुट थी, सरकार के पास व्यवस्था थी। अब सुदेश कटारिया जी सांप की लकीर पीटने वाली बात करें, हम इतने लोगों को बचा के ले, हम इतने लोगों को ये करके ले, हम इतने लोगों को ये करके ले, अरे भाई ये चीज घटित क्यों हुई इसके ऊपर? और रही है जाटों की बात करते हैं, 2016 के अंदर जाट आरक्षण के टाइम पे इन्होंने प्रकाश आयोग बनाया था, आज तक उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया इस सरकार ने। ठीक है, ये किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेते, आयोग इन्होंने बनाया था, लेकिन उसके बावजूद भी कितनी चाहिए यहाँ पे शराब घोटाले हुए, चाहे खनन माफिया ने कुछ किया है, चाहे डाटम पहाड़ की कोई चीज थी, आज तक इनकी किसी भी चाहे चाहे वो धान घोटाला है, चाहे वो गेहूं सड़ने की बात है, आज तक किसी भी जांच रिपोर्ट इन तक आई है? आज तक इन्होंने किसी को जिम्मेदार ठहराया? ठीक, सुदेश जी आपसे सवाल है कि हिंसा की साग में कौन सेक रहा है रोटियां? फाइनल कमेंट सर आपका। देखिए शाहबाज जी, सबसे पहले तो अतीत में जाने की आवश्यकता है, मेरे से दोबारा फिर कहलवा रहे हैं और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
कांग्रेस के प्रवक्ता से, प्रदेश की जनता से, ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जहां धर्म और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर प्रदेश की सुरक्षा की बात करनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं, अपने विधायक को क्लीन चिट दे रहे हैं, एक विधायक वहां खड़ा होकर कह रहा है, दूसरा विधायक फिर कह रहा है, उसके बाद ट्वीट करके भी कह रहा है, आप क्या कह रहा है, आप एक करो भाई, साथ हूं आप एक करो भाई, तो बता रही है, इससे अंदाजा लगा लीजिए हिंसा ने कितने भड़का है, कितने लोगों को भड़का है, आपने कार्रवाई क्या तो जाने दीजिए, थोड़ा इंतजार कर लिए, दो तीन दिन की बात है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बच्चे के खर्चे को नहीं, दोबारा दोबारा कोई हिम्मत नहीं करेगा हरियाणा प्रदेश में सरकार की हरकत करने की, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है डॉक्टर जोगिंदर, आपसे जानना चाहूंगा, भाईचारा और इंसानियत, विश्वास तो कहीं ना कहीं आगजनी हो गया, लेकिन अब इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्या उम्मीद आप सरकार से कर रहे हैं आगे, फाइनल कमेंट सर आपका। देखिए ऐसा है, हमने कोई राजनीति नहीं की, हमारे नेताओं ने पहले दिन अपील की, हमने सबसे अपील करी और हमने कहा हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, राजनीति की शुरुआत इन्होंने की, अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए एक दूसरे पे दूसरे दलों पर आरोप लगाने शुरू आरंभ किए, विपक्ष की एक जिम्मेदारी बनती है सहभागी, और बड़े जिम्मेदारी के साथ हमने एक आवाज उठाई है, हमने सिर्फ और सिर्फ जब मुख्यमंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान आया, इनके केंद्रीय मंत्री ने इनके ऊपर सवाल उठाए, जब डिप्टी सीएम ने यह कहा कि हमें उसकी सूचना ही पूरी तरह नहीं थी, और गृह मंत्री ये कह रहे हमारे पास पूरी तरह से सूचना ही थी, इनकी सरकार में किसी प्रकार का तालमेल नहीं है, इनके केंद्रीय मंत्री इनके ऊपर सवाल उठाते हैं, मुख्यमंत्री का गृह मंत्री का कोई तालमेल नहीं है, मुख्यमंत्री का डिप्टी सीएम से कोई तालमेल नहीं है, जांच ऐसी जांच हो रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया आप दोनों के इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। तो सात लोगों की गिरफ्तारी यहां पर हुई है और कई लोगों की गिरफ्तारी दरअसल यहां पर हुई है, सात लोगों की मौत हुई है, लेकिन कार्रवाई आगे जारी है, बीजेपी की तरफ से पूरा भरोसा दिलाया जा रहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल मेरे साथ आज इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, नमस्कार।